बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यू अपडेट, पाकिस्तान टीम को ट्रेनिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। डीजी हेल्थ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर एचले ब्लूमफील्ड ने कहा है कि एहतियाती तदाबीर को मलूज खातिर रखते वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाज़त नहीं दे सकते। न्यूजीलैंड के महकमा सेहत की वेबसाइट पर जारी किए गए बयान के मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ऐसी छूट नहीं देंगे कि वो होटल के कमरों से निकल कर ग्रुप की शक्ल में ट्रेनिंग कर सकें जबकि वो क्राइस्टचर्च में आइसोलेशन के अमल में हैं। डॉक्टर एचले का कहना है कि मैं इस सूरत हाल को संजीदगी से देख रहा हूँ। इस वक्त भी खदशात हैं कि स्क्वाड में इन्फेक्शन फैल सकता है। इनके मुताबिक पाकिस्तान की टीम में कई फॉल केस सामने आए हैं। डीजी हेल्थ ने कहा है कि कोरोना के हवाले से अपनाए जाने वाले हमारे तरीक़ेकार का सिलसिला जारी रहेगा, चाहे वो किसी एक खिलाड़ी के बारे में हो या फिर पूरी टीम के लिए हो। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने कहा है कि एक बयान में कहा है कि उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, न्यूजीलैंड क्रिकेट और न्यूजीलैंड की वजारत सेहत से राबता किया है। बयान के मुताबिक इन्होंने न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी स्क्वाड की चौथी कोविड-19 टेस्टिंग रिजल्ट मनफी आने के बावजूद इन्हें ट्रेनिंग की इजाज़त ना मिलने पर मायूसी